Hi guys, this is Pooja Gupta. Welcome to Media Mentor. Lot of you guys are stuck in filling your HSNC form, especially those who want to edit it. Guys, we tried to contact the college, but so far we have not got any response, and they have even stopped their Zoom link, which used to start every day at 11. Matlab, agar kisi bhi bache ko doubt ho to. But as you can see on my screen right now, FAQs jo unhone dala tha, and especially third point, which is CBSE and ICSE results are not declared. Jisme humne aapko last time bataya tha, 000 dalke and photo click karke aapko karna hai. Wahan pe क्लियरली मेंशन किया है स्टूडेंट्स फ्रॉम बोर्ड हु हैव नॉट रिसीव देयर मार्कशीट शुड प्री रजिस्टर बाय एंटरिंग 000 मार्क्स इन द बॉक्स एंड री लॉग इन यूजिंग द एग्जिस्टिंग स्टूडेंट क्रेडेंशियल जो हम सब ट्राई कर रहे हैं बट वी आर नॉट एबल टू एडिट एज आई एम सेइंग इट्स अ टेक्निकल ग्लिच बिकॉज कॉलेज इस बारे में बहुत क्लियर है कि दैट स्टूडेंट्स आफ्टर गेटिंग देयर रिजल्ट्स विल बी एबल टू एडिट देयर मार्क्स. As you know, you will have to edit your marks because uske bina to admission ka process hi possible nahi hai. But right now, all of us are stuck with this particular thing that we are not able to edit. प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम वापस से फॉर्म सबमिट कर दें क्या नया. प्रॉब्लम इज कि वी हैव ऑलरेडी पेड फॉर अ पर्टिकुलर फॉर्म. नाउ री रजिस्टरिंग इट विल कन्फ्यूज अ होल प्रोसेस एज दे वेर देमसेल्फ क्लियर अबाउट कि हम री एडिट कर पाएंगे बट वो ऐसा नहीं हो रहा है. लाइक द प्रीवियस वीडियो वेर आई मेंशन कि मुंबई यूनिवर्सिटी में आप री रजिस्टर कर लो, फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर लो. रीजन इज वी हैव नॉट पेड सो द एप्लीकेशन प्रोसेस इज नॉट कम्प्लीट. बट HSNC में वो हो चुका था, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है थर्ड पॉइंट में, फॉर नाउ इन द प्लेस ऑफ 12th मार्कशीट यू कैन अपलोड अंडर taking stating that your results are not yet declared. You will upload it once it is declared. So we are waiting for the communication from the college end. Why students are not able to edit the particular form? Because it's a completely a technical glitch. Aisa kuch nahi hai ki edit nahi ho payega. So when it will happen, we are checking from our end. As soon as it happens, we'll keep you posted. Aur kisi ka bhi agar edit ho jata hai, guys, you can keep us posted in the comment box below or you can send us message on the Instagram also so that we can update students. But right now, this is an overall glitch. मतलब ऐसा नहीं है कि आप ही के साथ हो रहा है, सबके साथ हो रहा है. सो जस्ट वांटेड टू से जो फ्रेश एप्लीकेशन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, और जो लोगों का एडिट नहीं हो रहा है दे विल जस्ट हैव टू वेट बिकॉज ऑलरेडी पेमेंट इज बीन प्रोसेस. तो अगर हम नया भी बनाएंगे तो डिटेल्स ऑलरेडी एग्जिस्ट ये दिखा सकता है, देन अगेन वेस्टिंग द मनी वोंट मेक एनी सेंस. टॉकिंग अबाउट गैप ईयर स्टूडेंट, दे हैव गिवन अश्योरेंस दैट यस दे आर यू नो कंसिडरिंग गैप ईयर स्टूडेंट, बट हाउ मेनी, व्हाट विल बी द परसेंटेज कट ऑफ, दैट वी हैव नो आइडिया. बिकॉज जिन गैप ईयर स्टूडेंट का नाम आया था, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था 2-3 दिन पहले कि BMS स्टूडेंट का आया हुआ है, बट दैट स्टूडेंट इज ऑल्सो ऑन होल्ड बिकॉज वो गैप ईयर का स्टूडेंट है और उनका एप्लीकेशन जो है वो होल्ड पे रख दिया है. BMM एंड ऑल अदर सब्जेक्ट्स का तो उन्होंने गैप ईयर स्टूडेंट की लिस्ट भी नहीं निकाली है. सो यस, वी हैव टू वेट फॉर द गैप ईयर स्टूडेंट का, कब मेरिट लिस्ट आता है, कितना आता है, क्या कट ऑफ होगा. सो गैप ईयर स्टूडेंट प्लीज़ कीप अ बैकअप एंड यू नो परसेंटेज कितने में वो कंसिडर करेंगे. फॉर देयर इज नो क्लियर कम्युनिकेशन फ्रॉम द HS यूनिवर्सिटी रिगार्डिंग द गैप ईयर स्टूडेंट्स. So this was the update guys so far. I hope the video was informative. Thanks for watching and stay tuned for a lot of such informative videos on Media Mentor. Don't forget to like, share and subscribe.